हेलो दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रोल नंबर 8 को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 8, तो देखते हैं रोल नंबर 8 क्या कहता है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर दो प्लूरल नाउन हो और वो किससे ऐड हो गए हों, एंड से, देख रहे हैं ना, ये एंड है, एंड से अगर जुड़े हों दो सिंगुलर नाउन तो उनमें आपको किस वर्ब को यूज करना है, प्लूरल वर्ब का, याद रखिएगा। जबकि रूल ये कहता है, जैसे जनरली रूल हमने रूल नंबर फर्स्ट की जब स्टडी की तो ये कहता था कि सिंगुलर नाउन अगर हो, सिंगुलर नाउन, तो प्लस सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब। बट ऐसे यहाँ नहीं है, बोला क्या गया है कि अगर दो सिंगुलर नाउन हो, दो सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़कर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं अगर, तो हमें किस वर्ब को यूज करना है, प्लूरल वर्ब को यूज करना है, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि दो सिंगुलर नाउन जो थे वो अब ऐड हो गए हैं। तो दो ऐड सिंगुलर नाउन ऐड होने के कारण सब्जेक्ट क्या हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, तो हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। तो ये रहे एग्जांपल, पहला राम एंड श्याम इज गुड फ्रेंड, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा रॉन्ग है, उसका रीजन क्या है आप देख लें। यहाँ पे राम और श्याम दोनों ही क्या है, सिंगुलर नाउन है और एंड से कनेक्टेड है, दिख रहा है, एंड से कनेक्टेड है। जबकि बोला गया है कि एंड से कनेक्टेड होने के साथ साथ इसमें वर्ब कैसा यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो हमने किस वर्ब को यूज किया है, इज का यूज कर दिया, और इज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, जिस कारण से सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो चुका है। अंडरस्टूड, यदि सेंटेंस रॉन्ग हो गया तो फिर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो देखिए राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, उसका रीजन क्या है, क्यों ये सेंटेंस करेक्ट है। पहली बात तो ये एंड से जुड़ा था, ठीक है, और दूसरी बात ये कि एंड से जुड़ने के साथ साथ इसमें आर वर्ब को यूज़ किया गया है, जो क्या होता है, प्लूरल होता है। कहने का मतलब ये सिंगुलर नाउन हो गया, राम भी सिंगुलर नाउन है, श्याम भी सिंगुलर नाउन, ठीक है। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, एंड से जोड़ा गया है, तो हमें वर्ब कैसा लेना चाहिए था, आर, जो यहाँ पे हमने कैसा ले लिया था, इज ले लिया था, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया था। अब इसमें जो है तो पूरे प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट यूज की गई है, राम सिंगुलर है, श्याम सिंगुलर है, और दोनों कनेक्ट किससे हैं, ज्वाइन किससे हुए हैं, एंड से, और यूज क्या किया गया, वर्ब आर ले लिया गया, इसलिए करेक्ट सेंटेंस है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल और, बॉय एंड गर्ल फाइट्स ईच अदर, यानी लड़के और लड़की एक दूसरे से क्या है, लड़ते हैं, ठीक है, तब भी ये सेंटेंस गलत है, उसका रीजन देखते हैं। पहला तो एंड से दोनों सेंटेंस ऐड हुए, बॉय भी यहाँ पे सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, उसका रीजन देखें, अगर सिंगुलर होता है तो सेंटेंस नाउन के अंत में यस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस, ठीक है, आई ई एस हो गया, वी ई एस, ये सारी चीज़ें नहीं लगी होती। अगर नाउन में ये सारी चीज़ें ना लगी हों तो आप जान जाए कि सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉय और गर्ल एंड से जुड़े थे, वर्ब कैसा लिया गया वो देखते हैं, फाइट्स, फाइट्स ले लिया गया, एफ आई जी एस टी एस, फाइट्स लिया। और ध्यान रखिए, कभी भी वर्ब में अगर यस, ई एस, आई एस लग जाए तो वो वर्ब जो होता है वो प्लूरल ना होकर के क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, मतलब ये जो फाइट दिया है आपके पास, ये एक ऐसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, जिस कारण से सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब सेंटेंस रॉन्ग हो चुका है तो हम इसको करेक्ट करते हैं, और करेक्ट कैसे करेंगे, देखिए, बॉय एंड गर्ल फाइट ईच अदर, क्योंकि जब दो सिंगुलर नाउन बॉय एंड गर्ल एंड से जुड़े होंगे तो इनके साथ वर्ब कैसा लेना है, हमें प्लूरल वर्ब लेना है, क्योंकि रूल ऊपर कहा जा रहा है, ठीक है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। करेक्ट होने का रीजन पहला ये कि एंड से जुड़े थे, एंड्स के जुड़ने के साथ साथ हमने वर्ब जो लिया, ये जो वर्ब हमने ली वो कैसी है, प्लूरल वर्ब है, इस कारण से ये सेंटेंस क्या हो गया, पूरा का पूरा करेक्ट। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट में यूज़ होता है। कहने का मतलब, ऐसे रूल अगर आप पढ़ते हैं तो आप सेंटेंस मेकिंग में कभी भी एरर से जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो दूर हो जाएंगी, मतलब आप
ये ज़रूर जान जाएंगे कहाँ पे करेक्ट वर्ब का यूज करना है अगर ये रूल आपसे अच्छे से बनते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उनको आप सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स पे उनके आंसर जरूर सेंड करिएगा। सो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आपके लिए। प्रिंट द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन, रिया एंड प्रिया प्रिंट द ब्लैंक्स टू टेक सम बुक्स। यू हैव टू ऑप्शन, वॉन्ट एंड वॉन्ट्स। ओके, यू हैव टू ऑप्शन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव, मोनिका एंड सोनम प्रिंट द ब्लैंक्स सम एप्पल, ईट एंड ईट्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन यू हैव, रोहन एंड राज प्रिंट द ब्लैंक्स गोइंग टू मार्केट यस्टरडे वाज एंड वर। यू हैव टू ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, वाज एंड वर। एंड ऑल्सो यू हैव फोर्थ क्वेश्चन, कैट एंड डॉग प्रिंट द ब्लैंक्स फाउट ईच अदर। एंड यू हैव अ वर्ब हैज एंड हैव। ओके, एंड द अदर क्वेश्चन यू हैव, क्वेश्चन नंबर फाइव, बॉय एंड गर्ल प्रिंट द ब्लैंक्स दिस वर्क। एंड टू ऑप्शन यू हैव, डू एंड डज। सो ये आपके लिए पांच क्वेश्चन हैं। यदि आपने अच्छी तरीके से ये रूल को स्टडी कर लिया है तो आप इन पांच क्वेश्चन के आंसर कमेंट्स बॉक्स पे जरूर सेंड करें। नाउ टिल बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।